क्या धूम 4 में नजर आएंगे शाहरुख खान? शाहरुख ने बॉलीवुड से क्यों किया था किनारा? हेलो दोस्तों, बॉलीग्राड स्टूडियो से मैं हूं सानिया सैफी। दोस्तों, बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान की बैक टू बैक 3 फिल्में बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप होने के बाद अब कोई भी प्रोजेक्ट उठाने से पहले वो थोड़ा सोचना चाहते हैं। जीरो के फ्लॉप होने के बाद शाहरुख खुद को वक्त दे रहे हैं और अगला प्रोजेक्ट उठाने से पहले अच्छी तरह इंडस्ट्री और दर्शकों के बीच के एल्गोरिदम को समझना चाहते हैं। इसी बीच खबरें ऐसी भी आई थी कि शाहरुख धूम 4 में काम करते नजर आएंगे। बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान अक्सर अपने फैंस से सोशल मीडिया के जरिए बात करते रहते हैं, कभी इंस्टाग्राम पर तो कभी ट्विटर पर #AskSRK चलाते हैं, जिसमें फैंस उनसे कोई भी सवाल कर सकते हैं और शाहरुख उनका जवाब देते हैं। शाहरुख का फैंस से जुड़ने का ये तरीका बेहद खास है और जहां सभी उनके बॉलीवुड में वापसी का इंतजार कर रहे हैं, वहीं शाहरुख कैसी फिल्में करना चाहते हैं और कब बॉलीवुड में वापसी कर रहे हैं, इस बारे में उन्होंने फैंस को बताया। अपने मजेदार जवाबों के लिए पहचाने जाने वाले किंग खान ने दशहरे के अवसर पर अपने फैंस से ट्विटर पर #AskSRK के जरिए बातचीत, जहां कुछ ने उन्हें दशहरा की बधाइयां दी तो कुछ ने उन्हें बताया कि किस तरह से वो लोग उनकी फिल्मों में वापसी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। एक फैन ने शाहरुख से पूछा, अब अपनी अगले फिल्म का ऐलान आप कब कर रहे हैं? इस पर शाहरुख ने कहा, मैं अभी चीजों पर काम कर रहा हूँ, जब मुझे ठीक मटीरियल मिलेगा तब मैं कुछ कहूंगा। #AskSRK के साथ शाहरुख के एक और फैन ने उनसे सवाल पूछा कि आप किस तरह की फिल्म बनाना चाहते हैं। इस पर भी शाहरुख खान ने शानदार और मजाकिया जवाब देते हुए लिखा, हिट टाइप की फिल्म। शाहरुख को उनकी फिल्मों के साथ साथ फिल्म के सेट पर लगने वाली चोटों के लिए भी जाना जाता है। हम सभी ने उन्हें छोटी से लेकर कंधे या कमर तोड़ लेने जैसी बड़ी चोट तक झेलते हुए देखा है। ऐसे में एक फैन ने #AskSRK के जरिए शाहरुख से उनकी अभी तक की सबसे बेवकूफी भरी चोट के बारे में पूछा। फैन ने लिखा, आपको किस बेवकूफी भरे तरीके से चोट लगी है? इस पर शाहरुख ने लिखा, मुझे लगता है जब मैं ऊंट की पीठ पर बैठने के लिए उछला था और अपनी कमर तोड़ ली थी, तब तिनके की तरह महसूस हुआ था। वहीं एक फैन ने शाहरुख खान से पूछा कि आपने बॉलीवुड से किनारा क्यों कर लिया? इस पर शाहरुख ने कहा, मैं खुद ही बॉलीवुड हूँ। तो ऐसे में एक फैन ऐसा भी था जिसने शाहरुख खान को अपनी फिल्म की सीडी जलाने तक की सलाह दे डाली। फैन ने ट्वीट किया, सर आज दशहरा है तो रावण की सीडी क्यों नहीं जला देते हैं आप? इस पर शाहरुख ने कहा, अरे कितना जले पे नमक छिड़कोगे। शाहरुख के इन जवाबों को देखकर मालूम पड़ता है कि वो वाकई किंग ऑफ बॉलीवुड हैं, किस तरह से चीजों को हैंडल करते हैं और लोगों से, अपने फैंस से किस तरह से जुड़े रहते हैं, ये वाकई अपने आप में एक मिसाल है। दोस्तों, शाहरुख खान कब वापसी कर रहे हैं, किस फिल्म में आएंगे, ये सब तो खुद शाहरुख ही बता पाएंगे। इसीलिए शाहरुख खान से जुड़ी सभी लेटेस्ट अपडेट्स जानने के लिए जुड़े रहिए बॉलीग्राड स्टूडियो से। मैं हूं सानिया सैफी, जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, लेकिन तब तक प्यार बांटते रहिए।